देखो बहाने मत बनाओ। अगर मेरा काम वक्त पर खत्म नहीं हुआ ना तो तुम जानते हो ना मेरा नाम क्या है? जोनिता, समझे तुम? आगे शामत भुवन सर की, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जोनिता मैडम का मूड ठीक नहीं है। फोन रखो। जी मैडम, क्या हुआ? क्या है? हाँ, क्या है ये? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि कल सुबेरे एग्जीबिशन है और हमें इस फिश की डिलीवरी करनी है, तो इस फिश का काम अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? मैडम आप मुझ पे क्यों चिल्ला रही हैं? इस पे लाल रंग होना है, खूनी लाल, और वो सप्लायर वो पेंट लाकर नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूँ मैडम? क्यों नहीं लेकर आया? उसे वो रंग नहीं मिला, खूनी लाल। अरे तो उससे बोलो ना कि लेकर आए वो खूनी लाल रंग। मैडम आग लगाने वाली बात करता है वो, कह रहा था खूनी नहीं हुआ तो खूनी लाल रंग कहां से लाऊं? What? That's so strange. वो ऐसा कैसे बोल सकता है कि इस फिश में ऐसे कि होल कैसा? आप ही ने तो बोला था मैडम, कुछ मूवमेंट दिखाने के लिए उसमें कोई मोटर वोटर लगाएंगी शायद। खून? जी मैडम, ये तो खून ही है। पर ये तो फिश मॉडल है, ये तो नकली है, इसमें से खून कैसे निकल? किसने किया है मेरे साथ ये घटिया मजाक? हाँ, कौन है तुम में से वो जो मुझे डराना चाहता है? जोनिता, जोनिता! रोहित, रोहित क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? ये देखो। ये क्या है? ये देखो, अगर रिश्ता छुआ ना हम लोग तो गए। देखो अब क्या होगा जोनिता? ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता। ऑनलाइन ऐसे कहाँ है वो? बाहर खड़े। जल्दी चलो। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। अरे यहीं पर तो था, पता नहीं कहाँ चला गया। रोहित तुम्हें समझ में आ रहा है? हम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। जान तो जोनिता। रोहित तुम्हें अच्छी तरह से याद है, उसने यही तुम्हें इंतजार करने के लिए कहा था। हाँ, वो सिर्फ हमारे लिए तो यहाँ पर आया है। वो तो आया है लेकिन वो कहीं दिखाई भी तो नहीं दे रहा है ना, हम क्या करें? तुम एक काम करो, तो यहीं पर रुको, मैं जाके देखता हूँ। ठीक है, डू इट फास्ट। मॉडल की डिलीवरी आ गई? जी मैडम, कल रात को ही आ गई। कितने बजे? रात को 1:30 बजे। मैडम बड़े एक्सपर्ट थे वो लोग, फटाफट आए और अंदर लगा के चले गए, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अच्छा चलो देखते हैं, वैसे भी आज का एग्जीबिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी म्यूजिक कहाँ से आ रही? जी मैडम अंदर से आ रही है। सेंटर तो अभी तक खुला नहीं मैम।
फिर अंदर से आवाज कैसे आ सकती है? ये बदबू कैसे है? मैडम जी लग रहा है यहाँ पे कोई चूहा मर गया है। मैडम जी ये तो हड्डी है। ये म्यूजिक, ये हड्डियों से बनाई हुई मछली और ये हाथ से बनाई हुई गुड़िया, सर ये सब क्या है? सर लगता है ये मछली किसी इंसान की हड्डियों से बनाई गई है। ये देखो, ये हाथों की और ये पैरों की हड्डियां और ये पिंजर। अरे बदबू, इन हड्डियों में जो मांस है, इस मांस का सड़न की वजह से आ रही है। मतलब सर किसी को मार के टांग दिया यहाँ पे। हाँ, अरे मांस अभी भी लगा हुआ है हड्डियों पर और मछली की तरह बना दिया। ना कि नौना काम। सर, कोई ये कैसे कर सकता है? सर किसी ने किया और यहाँ पे लाके लटका दिया ताकि पूरी दुनिया देख सके। यहाँ मछली कहाँ से आई? सर यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत बड़ा एग्जीबिशन होने वाला था और मछली का एक मॉडल आने वाला था, लेकिन पता नहीं ये कैसे आ गया। मछली का मॉडल कहाँ से आने वाला था? सर वो बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट है, जॉनिता मैम। जॉनिता मैडम, क्या वही इसे छोड़कर गई थी यहाँ? जॉनिता मैडम तो नहीं आई थी, पर रातपाली वाला वॉचमैन बोला कि यहाँ पर दो लोग आए थे डब्बे लेकर, वही लगाकर चले गए। इस जॉनिता से मिलना पड़ेगा। आप लोग जॉनिता से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते? क्यों, आराम कर रही है? हड्डियां मिली है, हड्डियां इंसान की, और वो आपकी बीवी का आर्टवर्क है। देखिए, मेरी वाइफ ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, वो बेचारी तो खुद घायल है अभी। जॉनिता घायल है? क्यों, क्या हुआ उसे? कल रात में एक सुनसान सड़क में एक चोर ने जॉनिता से 10 लाख रुपए लूट लिए जो उसने सुबह बैंक से निकाले थे, और सर उसे चोट भी पहुंचाई। अब आप ही बताइए, वो बेचारी कैसे कुछ कर सकती है? क्या बात है सर, सुनसान रास्ते पे 10 लाख रुपए लेके जा रही थी, बहुत दिलेर औरत है। मिस्टर चिमन, जॉनिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसका बेहद अफसोस है हमें, लेकिन हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ 3-4 सवालों के जवाब चाहिए, उसके बाद हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ होने नहीं देंगे हम। लेकिन सर वो तो आराम कर रही है। खून का मामला है। लेकिन सर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर जॉनिता हमारे सवालों का जवाब यहाँ पे नहीं देगी तो उसे ब्यूरो आना पड़ेगा, सोच लीजिए। ठीक है सर, आइए। नहीं, आप यहीं रुकिए, हम लोग देखते हैं। आप लोग कौन है और ऐसे कैसे अंदर? चिमन, कौन है ये लोग? सीआईडी।
सीआईडी आप लोग इतनी जल्दी? जी हाँ, पहले ये बताइए कि आपके साथ हुआ क्या था? सब कल रात की बात है। मैं अपना काम खत्म करके वर्कशॉप से घर आ रही थी, तभी कुछ बदमाशों ने मुझे घेर लिया और मेरा ब्रीफकेस मुझसे छीन लिया। उसमें 12 लाख रुपए थे। कि जो मार्क्स आप लोग देख रहे हैं, ये सब उन लोगों की वजह से है। आप लोग इसीलिए आए हैं ना? 12 लाख की 10 लाख? अरे आइए आइए जीवन जी, आइए। आपने कहा कि 10 लाख रुपए लूटे गए, अब ये कह रही हैं कि 12 लाख रुपए लूटे गए। कमरे के बाहर से अंदर आते आते 2 लाख रुपए बढ़ गए, कमाल है। खैर ये बात छोड़िए, मुद्दे की बात पर आते हैं। ये बताइए, एग्जीबिशन में आपने इंसानों की हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल क्यों भेजा था? इंसान की हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल? में मैं अभी क्या बोल रहे हैं, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। देखा सर, मेरी बीवी कितनी मासूम है। जोनिता बोल दो इन्हें कि तुमने ऐसा कुछ नहीं भेजा। हाँ हाँ, बहुत मासूम है ये, लेकिन हमारे पास सबूत भी है और गवाह भी। मछली का मॉडल आप ही ने रेडस्टोन साइंस और आर्ट सेंटर में भेजा था। क्या वहाँ उसका मालिक तो मैं हूँ, मेरा मतलब है वहाँ मैं पार्टनर हूँ। जोनिता, तुमने मेरे ही सेंटर में हड्डियों से बनी हुई मछली भेज दी? नहीं चिमन, मैंने कुछ नहीं भेजा, मैं सच बोल रही हूँ। तो सेंटर के मालिक आप है, कमाल है। बीवी ने भेजा हड्डियों से बना हुआ मछली का मॉडल अपने ही पति के सेंटर में? हा? सब मैंने तो सिर्फ एक मछली का मॉडल बनाया था, वो भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन सर उसमें कुछ गड़बड़ थी। किसी ने मुझे डराने के लिए उसमें खून भर दिया था। सब मुझे सच में नहीं पता कि वो हड्डियों की मछली वहां कैसे चली गई। मैं सचमुच नहीं जानती सर, सचमुच नहीं जानती। अच्छा, कोई तो लाया होगा, कोई तो वजह होगी हड्डियों की मछली बनाने की। अगर आपको नहीं पता तो आपके वर्कशॉप में बाकी के लोगों से पूछताछ करनी पड़ेगी कि वो हड्डियां कहां से आई। सर मुझे पता है आपको किसकी गर्दन पकड़नी चाहिए। किसकी? ईशान और रुपेश। सर ये दोनों मेरे पार्टनर्स इस सेंटर की ओनरशिप में, दोनों ही बड़े टेढ़े लोग हैं सर। टेढ़े लोगों को सीधा करना हमें आता है। ईशान और रुपेश, गौर से देखिए, ये लटकाया आप लोगों ने बच्चों के एग्जीबिशन के लिए है? सर ये सब चिमन और उसकी बीवी की हरकत है। रुपेश जबान संभालो अपनी, ये सेंटर जितना तुम दोनों का है उतना मेरा भी है। क्या मैं अपने सेंटर में ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा? चुप हो जाओ। ईशान और रुपेश तुम दोनों यही रहो, बाकी सब बाहर। चलिए चलिए चलिए, चलो चलो। अरे मैंने तुमसे कहा ना, इस एग्जीबिशन की जिम्मेदारी चिमन पे मत छोड़ो। अब देखो क्या हो रहा है, वो अपनी बीवी जोनिता के पास चला गया और हम दोनों को ये सब भुगतना पड़ रहा है। इधर हाँ, हमसे भी बात कीजिए। आप दोनों को चिमन और जोनिता पे शक क्यों है? आप नहीं जानते इन मियां बीवी को सर, एग्जीबिशन में आर्टिफिशियल मछली लगाने की बजाय देखिए क्या लटका दिया इन्होंने। सर उन्होंने ये सब सिर्फ हम दोनों को फंसाने के लिए किया है। अच्छा, अगर ये सब जोनिता ने किया है तो ये हड्डियां कहां से ले आई? सर आपने तो कहा था ये इंसान की हड्डियां हैं, उसने किसी का मर्डर किया होगा, शक्ल से लगता है कि वो कुछ भी कर सकती है। सर आपके सेंटर से कोई गायब है? नहीं सर। नहीं तो फिर ये हड्डियां है किसकी?
बोलो। अच्छा ओके थैंक यू सर। ये देखिए। हाँ सर, इस मछली में से इंसान निकला कि नहीं? हाँ भाई साहब, इस मछली में से मरने वाला भी निकला है और मारने वाला भी निकला है। सर वो कैसे? इस आदमी की उम्र 25 से 30 साल है। लेकिन सर इसे मारा कैसे गया? गोली से। ये देखो, यहाँ ये पसलियों में गोली लगी और इसकी पूरी बॉडी को काफी देर तक एसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मांस गल जाए। और इस खतरनाक एसिड का नाम है हाइड्रोलिज एसिड। एसिड में डुबो के रखा गया था, हाइड्रोलिज एसिड। लेकिन इतना सारा एसिड खूनी को मिला कहां से होगा? ये एसिड फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, खास करके कांच की फैक्ट्रीज में। और मारने वाला? अब मतलब खूनी के बारे में क्या पता चला? कलाकार, बहुत बड़ा कलाकार है खूनी। देखो, इंसान की हड्डियों को तराश तराश कर मछली बना दी उसने। आर्ट लवर है, आर्ट लवर। अच्छा, कुछ और बता सकते हैं इस आर्टिस्ट के बारे में? इसकी उम्र 22 से 25 साल है और ये एक औरत है। क्या खूनी एक औरत है? हाँ, खूनी एक औरत है। कमाल है, गोली का घाव और कंकाल देख के आप बता दे रहे हैं कि खूनी एक औरत है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सबूत कह रहे। ये देखो, यहाँ हाथ की हड्डियों के बीच में ये मुझे थोड़ा सा खून मिला। जाहिर है ये खून उसी का होगा जिसने ये हड्डियां तराश करके मछली बनाई, क्योंकि इस आदमी की लाश तो एसिड में गल गई होगी, तो ये तो उसी का होगा ना। ये भी तो हो सकता है कि ये खूनी आर्टिस्ट ना हो, उसने सिर्फ ये बनाया हो, खूनी कोई और ही हो सकता है। लेकिन ये लड़की खूनी को जानती तो जरूर होगी, उसके लिए काम जो किया है। हेलो, ओके ओके ठीक है, वो साइंस सेंटर की फुटेज आ गई है, चल के देखते हैं। वैन तो आई है सर यहाँ पे। सर काफी अंधेरा है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। भले अंधेरा हो मगर निखिल, दोनों के फोटोग्राफ्स सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, इनके बारे में पता लगा। शायद इसी बॉक्स में लाया गया होगा सर, वो मछली वाला मॉडल। ये वैन में कुछ लिखा हुआ है, ज़ूम करो इसमें। कबूतर का लोगो बना है और बीपी, बीपी से तो कुछ भी हो सकता है सर। एक काम करते हैं पूर्वी, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एजेंसी से पता लगा, देखो क्या ऐसी कोई कंपनी है, कोई एस्टैब्लिशमेंट है, कोई दुकान हो जिसके लोगों में कबूतर बना हुआ हो, उनके साथ ये मैच करके देखते हैं ये कबूतर, शायद खूनी के बारे में कुछ पता चल जाएगा। सर हाँ, तीनों म्यूजिक डायरेक्टर आ गए। देखिए, हम आप लोगों को म्यूजिक का पीस सुनाएंगे, उसे सुनकर आपको बताना है कि आप लोग क्या जानते हैं इसके बारे में। ठीक है सर। ये तो मेरा म्यूजिक है सर, मैंने ही इसे रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन सर,
किसी को मार के उसकी हड्डियां लटका दी गई हैं। वहां बज रहा था ये म्यूजिक। सर मुझे नहीं पता कि किसके मर्डर में इसका इस्तेमाल हुआ है। आप लोग प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैं बेगुनाह हूँ। आपने ये पीस किसके लिए रिकॉर्ड किया था? म्यूजिक क्लास के लिए, AJK स्कूल। सर, वैन पे जो लोगो था वो किसी ब्लू पिजन लॉन्ड्री का है। ब्लू पिजन लॉन्ड्री? पहचाना आपने इस म्यूजिक को? हाँ, ये तो हमारे स्कूल के बच्चों के लिए म्यूजिक है। पर इसका किसी के मौत से क्या लेना देना? और ये कहाँ मिला आप लोगों को? रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर। रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर? फिर तो ये म्यूजिक और ये सेंटर, इसके बारे में आपको हमारे स्कूल के ट्रस्टी से बात करनी पड़ेगी। ट्रस्टी से क्यों? क्योंकि ये म्यूजिक हमारे ट्रस्टी ने बनवाया था, और हैरानी की बात तो ये है कि वो भी इस रेडस्टोन आर्ट एंड साइंस सेंटर में जाने वाले थे। जाने वाले थे? हाँ, पर पता नहीं गए भी कि नहीं। कल रात से 2-3 बार उनका फोन ट्राई कर चुकी हूँ, लग ही नहीं रहा है सर। क्या नाम क्या है उनका? मिस्टर रोहित कुमार। रोहित? कहीं ऐसा तो नहीं कि म्यूजिक गुड़िया और हड्डियों वाली मछली किसी किस्म की धमकी या कोई मैसेज हो? और भी एक काम करो, एग्जीबिशन की गेस्ट लिस्ट निकालो, चेक करते हैं गुड़िया, मछली और म्यूजिक, इन तीनों से और कौन कौन जुड़ा हुआ है। शौनक, ये गुड़िया ये तुम्हारे हैंडीक्राफ्ट मिल्स में थे, बनती है ना? क्यों? चिमन के साइंस आर्ट सेंटर में इंसान की हड्डियों से बनी मछली के साथ लगा हुआ था ये। कमाल, अब डर तो गए पर हैरान नहीं हुए है? नहीं नहीं सर, मैं हैरान हूं, मैं तो बहुत हैरान हूं सर। मेरा कुछ लेना देना नहीं है सर इस सबसे, मजाक किया किसी ने? मजाक वजाक बहुत हो गया, अब जरा खुल के बताइए। और मैं आपको याद दिला दूं कि आप CID ब्यूरो में हैं, यहां गूंगे भी बोलने लगते हैं। सवाल पूछने से पहले ही पसीना छूट गया है? अब ये बताओ, वो मछली इस चीज के साथ क्यों लटकाई गई थी? मुझे कुछ नहीं पता सर, और वैसे भी ये गुड़िया तो कोई भी खरीद सकता है। बात तो सही है, गुड़िया तो कोई भी खरीद सकता है ना? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। फ्रेडी, नजर रखो इस शौनक पर, बहुत बड़ा गड़बड़ है ये शौनक। सर, सर ये देखिए, रोहित के फोन की आखिरी लोकेशन कल रात को जॉनिता के वर्कशॉप पे दिखा रही, और इसके बाद से उसका फोन बंद आ रहा है। उसके बाद रोहित का फोन बंद आ रहा है? ये जॉनिता तो हमसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है। जॉनिता? क्या रोहित यहाँ आया था वर्कशॉप के अंदर और घबराया हुआ था? हाँ सर, रोहित जी ने जुनिता मैडम को एक चिट्ठी दिखाई, उसको पढ़ते ही जुनिता मैडम तो घबरा गई सर। ऐसा क्या था उस चिट्ठी में? पता नहीं सर, लेकिन दोनों की हालत खराब हो गई थी सर, उसके बाद वो दोनों भाग गए। उसके बाद जो हमने देखा सर, वो आप सोच भी नहीं सकते। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? उनके बाहर जाने के कुछ मिनटों के बाद ही मैडम ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं, चुप रहो, बिल्कुल शांत रहो, ये बात यहाँ से कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। खोलो दरवाजा, खोलो जॉनिता, दरवाजा खोलो, जॉनिता दरवाजा खोलो। मैं मरना नहीं चाहता, वो मुझे मार देगा, तुम ऐसा नहीं कर सकती जॉनिता। अरे ये तो रोहित साहब की आवाज है। मैडम दरवाजा तो खोलिए आप। नहीं, कोई दरवाजा, दरवाजा नहीं खोलेगा, कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जॉनिता दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खोलेगा, ना वो मछली, वो उसे चला दो, अब यहाँ से ना चला दो उसे। एक आदमी बाहर मर रहा था और आप में से कोई नहीं गया उसे बचाने के लिए। सर, जुनिता मैडम की हालत देखकर और रोहित जी की चीखें सुनकर हम सब बहुत डर गए थे सर, पता नहीं बाहर कौन था। और मैडम ने दरवाजा खोलने से मना भी किया था,
कमाल है सर, ये जोनीता ही कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ सर, सारी बातें उसी की तरफ इशारा कर रही। पता करना पड़ेगा उस चिट्ठी में ऐसा था क्या जिसकी वजह से इतना हंगामा हुआ है। हेलो, हाँ ओके 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 ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जिस वैन से वो हड्डियां सेंटर पहुंची थी ना, वो लॉन्ड्री वैन का ड्राइवर काम पे वापस आ गया है। उठ सब। कीलू, यही नाम है ना तुम्हारा? हाँ सब। अच्छा है कि तुम छुट्टी मनाकर वापस आए, कब से इंतजार कर रहे थे हम तुम्हारा। हाँ मारो मत साहब, आपने तो मुझे दिन में चांद तारे दिखा दिए साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे हड्डी के बारे में कुछ भी नहीं पता साहब। नहीं नहीं, झूठ बोल रहा है सर ये। दो दिन से घर में छुप के बैठा है। हाँ ये तो हमारे कहने पर मालिक ने धमकी दी तब आया यहाँ पे। नहीं साहब, मैंने तो छुट्टी ले रखी थी साहब, इसीलिए मैं आराम कर रहा था। छुट्टी ले रखी थी जी? सच बताओ ना एक और। नहीं साहब, मैं सब सच सच बता देगा साहब। पूछिए आपको क्या पूछना है साहब। तुम्हारी वैन वहाँ साइंस सेंटर में कैसे पहुँचा? साहब 6 अप्रैल की शाम को मुझे एक फोन आया था, उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी मुझे वैन चाहिए कुछ घंटों के लिए साहब। बस मेरा काम इतना था साहब कि मुझे वो कांच की बंद पड़ी हुई फैक्ट्री के सामने अपनी गाड़ी खड़ी करनी थी साहब, बस इतना ही मेरा काम था साहब। किसी ने कहा और तूने कर दिया, सोचा नहीं क्या होगा उसका? साहब उसने मुझे 25,000 भिजवा दिए थे ना, इसलिए मैंने फिर कुछ सवाल नहीं किया साहब। बिना सोचे समझे काम करोगे तो ऐसे ही फंसोगे। गलती हो गई साहब। चल गलती हो गई। खून तो इस ग्लास मिल में हुआ है, अब वही हड्डियों का मांस उतारा गया होगा। निकले काम करो, इस कीलू का फोन ले लो, इसको फोन करने वाले के बारे में हम खुद पता लगाएंगे। तब तक इस ग्लास मिल में है क्या देखते हैं। क्या उजाड़ जगह है सर ये? क्या सच में कीलू ने अपनी वैन यहां पर छोड़ी थी? कीलू के पास झूठ बोलने का ऑप्शन है नहीं, वो हमारे गिरफ्त में है और झूठ बोलने का अंजाम वो अच्छी तरह से जानता है। इस मिल में कांच तराशने का काम होता था और इसकी पूरी बॉडी को काफी देर तक एसिड में डुबो के रखा गया था ताकि सारा मांस गल जाए, और इस खतरनाक एसिड का नाम है हाइड्रोलिज एसिड। गुनाह करने के लिए इससे अच्छी जगह हो ही नहीं सकती। किसी का खून करके उसकी हड्डियों को एसिड में गलाया गया है और ऐसा काम यहां हो सकता है। ठीक है चेक कर लेते हैं कुछ मिलता है क्या। बाथटब और यहां सचिन, ये देखिए सर, बाथटब के ऊपर खून लगा हुआ है। फैक्ट्री के अंदर बाथटब और बाथटब में खून, लगता है बॉडी पे एसिड डाल के इसी में गलाया गया है। मांस अलग हड्डियां अलग। ये देखो जले हुए मांस का अंश लगता है। सर यहाँ पर कुछ है। पूर्वी नहीं, हाथ मत लगा, ऐसे डोगा उंगलियां जल जाएंगे, किसी और चीज से निकालना पड़ेगा।
एक मिनट सर, ये कुछ है, इससे निकलेगा। ये देखिए सर, ये अंगूठी पूरी तरह से जल गई है। सर शायद उस आदमी की है जिसे यहां मारा गया। सर इस अंगूठी पे कोई डिजाइन बना हुआ, आर लिखा है सर इसमें। आर? तो ये अंगूठी रोहित की तो नहीं, वो स्कूल के ट्रस्टी की? हो सकते हैं, रोहित की बचपन की फ्रेंड जोनिता, वही बताएगी किसकी अंगूठी है। आपका कहने का मतलब क्या है, कि मैं खूनी हूँ? अब ऐसे ही समझ लीजिए। जोनिता जी, अगर खूनी आप नहीं है तो कौन है, आप ही बताइए। देखिए वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। अगर ऐसा है तो आपने अपने वर्कशॉप में वो मछली का मॉडल जलवाया क्यों? ये चुप रहने से तुम्हारी सच्चाई साबित नहीं होगी। दरअसल सर वो मछली से खून निकलते देखकर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसे जलवा दिया। चलिए एक और बात बताइए, जयंती ये रिंग रोहित की है ना? ये तो जब पता था तो बचाया क्यों नहीं उसे? हमें पता है कि उस रात वर्कशॉप के बाहर रोहित तुम्हारे साथ था, क्या हुआ था वहां पे, उसकी मदद क्यों नहीं की तुमने, बताओ। कौन था उस रात तुम्हारी वर्कशॉप के बाहर? और उस चिट्ठी में क्या था जो रोहित ने आपको दिया था? सब मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग क्या कह रहे हैं। देखिए इस वक्त मेरे पति बाहर है और मैं उनके एब्सेंस में आप लोगों के किसी भी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती। आप लोग प्लीज मुझे बातों में मत फंसाएं। हम तुम्हें फंसाने नहीं आए, तुम्हें बचाने आए हैं। मछली के उस मॉडल में जो हड्डियां हैं वो शायद रोहित की है। जिसने भी रोहित को मारा उस रात वो तुम्हें भी मारना चाहता था। अब जो कुछ भी है सच सच बताओ, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सर मैं नहीं बचूंगी, अब अगला नंबर मेरा है सर। उसने कल रात मुझ पर भी हमला किया था, ये निशान उसी की वजह से है। सर मैं तो बच गई लेकिन मैं रोहित को नहीं बचा पाई सर। कौन था वो जो तुम्हें मारने आया था? सर मुझे नहीं पता सर, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। कोई सिर्फ तुम दोनों को ही क्यों मारना चाहता मगर? नहीं सर, हम दोनों तीन, मैं रोहित और शौनक, शायद कोई हम तीनों से उस राज के लिए बदला ले रहा है। कौन सा राज? ये मछली तुझे बचा नहीं पाएगी। ये गुड़िया का खेल बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। सर ऐसा ही लेटर रोहित के पास भी था सर, कोई हम तीनों को डरा धमका कर हमसे पैसे ऐंठ रहा है। अच्छा, जोनिता और शौनक, अब सब कुछ सच सच बताओ। क्या किया तुम लोगों ने, बताओ जल्दी। सर 2006 में मैंने, शौनक ने और रोहित ने मिलकर एक छोटी सी कंपनी बनाई जिसमें हम बिजनेस पार्टनर्स थे। हमें उस कंपनी के लिए पैसों की ज़रूरत थी और हमें इन्वेस्टर मिल भी गई। समारा, उसने हमारी कंपनी में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की। कंपनी का प्रॉफिट देख के हम लालच में आ गए और सारा पैसा हम तीनों ने आपस में बांट लिया। फिर एक दिन हम कैसे करेंगे उसके पैसे वापस? रिलैक्स गाइस, हम लोग कंपनी को घाटे में शो कर देंगे। पेपर्स मैं दिखा दूंगा कि घाटा हो गया, प्रॉब्लम क्या? और मैं इतनी बेवकूफ हूं कि सब मान जाऊंगी। समारा हम तो तुम लोग मुझे घाटा दिखाओगे? समारा ने ऐसे ये बिजनेस खड़ा नहीं किया।
पैसा दिया है सवारा, तो लेना भी जानती हूँ। प्लीज उसे छोड़ दो। तुम चुप। सर, हमने हमने पैसों की हेरा फेरी जरूर की है, पर हमने किसी को मारा नहीं है। वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था बस। हमने कंपनी बंद कर दी और अपने अपने रास्ते चले गए, और अब 10 साल के बाद हमारा पीछा करते हुए कोई यहां तक आ जाएगा, हमें नहीं पता था सर। और सर, उस रात को मैं रोहित के साथ वर्कशॉप के बाहर इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे उस इंसान से मिलना था जिसने जिसने ये बॉक्स और चिट्ठी दी थी मुझे। सर, लॉन्ड्री में जिस नंबर से फोन आया था उसका पता चल गया है, वो चिमन का नंबर है। जल्दी आओ। अच्छा कहो, कहाँ रह गई थी तुम? मेरी गर्दन तो बस गई थी समझो। पहले ये बताओ कि तुम सीआईडी से बच के निकले कैसे? तुमसे किसने कहा कि मैं सीआईडी से बच के निकला? मतलब सामने देखो, सीआईडी यहां पर कैसे? मैं अकेला क्यों डूबू? तुम्हें साथ लेकर डूबूंगा। डूबेगा नहीं, तू मरेगा। ए, गोली मत चलाना। पास मत आना, पास मत आना, मार दूंगी मैं इसे। नहीं नहीं, गोली मत चला। मैं तो मालविका के प्यार में बह गया था सर। बड़े बड़े बह के लोगों को हमारी जेल ठीक कर देती है, तो बाकी का जेल में बहक लेना। बेवकूफ है, कुछ भी ढंग से छुपा नहीं पाया और सीआईडी से मिल गया, इडियट। हाँ, इसके पास हमने ऑप्शन नहीं छोड़ा था। यही जगह है, यही छुप के बैठा वो। नहीं, थोड़ी देर हो गई, पहले स्विच ऑफ कर लेना चाहिए था। मैंने क्या किया? देखिए, आप मेरी बात सुनिए। तब से तुम्हारी सुन रहे हैं। आप गलत आदमी को पकड़ रहे हो। फिर तुम ही बता दो किसको पकड़े। वही जो असली मुजरिम है। तो तुम रोको उसे। तुम तो समारा से रिलेटेड हो ना, जिसे जोनिता और उसके दोस्तों ने धोखा दिया था। हाँ, लेकिन मैंने ये सब समारा के लिए नहीं किया। वो तो कई साल पहले ही मर चुकी थी और मुझे उसकी कोई पड़ी भी नहीं थी। आप लोगों को लगता होगा कि ये सब बदला है, लेकिन ये सब बदला नहीं है। फिर तुमने ऐसा घिनौना जुर्म किया क्यों? मैं समारा की नौकर की बेटी,
उन्होंने मुझे अपनी बच्ची की तरह पाला था। समारा के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई थी क्योंकि उनका कोई वारिस ही नहीं था। लेकिन मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से सारी प्रॉपर्टी गवा दी और जिंदा रहने के लिए एक मामूली सी नौकरी करनी पड़ी। करोड़ों के कर्जे में डूब गई मैं। तो जॉनिटा, रोहित, शौनक और उनके पुराने कंपनी के कागजात, वो धमकियां, रोहित के दर्दनाक मौत, इस रास्ते कैसे चल पड़ी तुम? मैं समारा के पुराने ऑफिस गई थी। वहां पर मैंने कुछ कंपनी के पुराने पेपर्स देखे। तब मुझे पता चला कि उन तीनों ने समारा को धोखा दिया था। मैं चाहती तो मैं पुलिस में जा सकती थी लेकिन पैसे में मेरी जान अटकी थी। तो तुमने तीनों को ब्लैकमेल करने की सोची? सच अमीर लोग हैं, मोटी रकम मिल जाएगी। सबसे पहले रोहित ने हमें पैसे दिए और जब जॉनिता और शौनक की बारी आई तब तो वो उन्हें बचाना चाहता था। अच्छा, तो रोहित तुम्हारे प्लान के बीच में आ गया इसलिए मारा गया, है ना? हाँ। और उसकी वो हालत देखकर ही जॉनिता और शौनक ने हमें पैसे दिए। लेकिन आप सब बीच में और मेरा सारा खेल चौपट कर दिया। इतनी प्लानिंग अपने पैसों को संभालने में लगाया होता तो इस हालत में नहीं होती। जुर्म के रास्ते चलने पे पैसे नहीं, जेल की सलाखें मिलती हैं। और जो जुर्म तुम लोगों ने किया है उसकी एक ही सजा है, फांसी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।